अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुड मॉर्निंग प्रयागराज, 104 जिंदगी एफएम में आपका स्वागत है। चढ़ता सूरज वेलकम कर रहा है एक नए दिन को, और नए दिन में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, गुण और अवगुण पर। गुण और अवगुण को मिलाने से ही बनता है इंसान, पर सवाल ये है कि क्या टाइम के साथ इंसान बदल जाता है? हैप्पी बर्थडे नकचड़े, 15 साल हो गए, ना जाने कहाँ होगा, कैसा होगा हमारा सबसे प्यारा दोस्त अगस्त्य। हे कन्नू जी, उसका ध्यान रखना, देखना ज्यादा बदले ना, बचपन में हवा मिठाई के पीछे पागल हुआ करता था, आज भी वैसा ही होगा, थोड़ा नकचड़ा हुआ करता था, 24 घंटे हमारा नाम लिया करता था, अवंतिका अवंतिका अवंतिका, काश आज भी उसे हमारा नाम याद हो। तो कैसा लगा आपको ये गाना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या? अरे हमारी लिपस्टिक का कलर, हमें रील्स बनानी है, हमारे फॉलोअर्स हमारा वेट कर रहे होंगे, और ये देखो हमारी लिपस्टिक का कलर कितना गंदा लग रहा है। अभी हमारे इंस्टा के लाइक्स कैसे बढ़ेंगे और शेयर्स कैसे बढ़ेंगे? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? एक सेकंड, ये लो तुम्हारा गर्म पानी। कौन सी लिपस्टिक चाहिए तुम्हें? ब्रिक टोन, वो तो नहीं है हमारे पास, रेड है और न्यूड है। तो फिर क्या फायदा तुम्हारा पार्लर में काम करने का? रेड और न्यूड को मिला दे तो ब्रिक टोन ही बनता है। अरे अरे पापा का काढ़ा। कमाल है, कहाँ गई? आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला। तुम्हें क्या पता हम क्या ढूंढ रहे हैं? वही जो आप हर रोज छत पर छुपा देते हैं और हम हर रोज नाली में बहा देते हैं। अरे बेटा बाप पे तरस खाओ, वो बोतल नहीं हमारी दवाई है। आपकी दवा वो बोतल नहीं, ये काढ़ा है, लीजिए पी लीजिए, सर दर्द नहीं होगा। अच्छा चलो हम चलते हैं, ब्यूटी पार्लर के लिए लेट हो रहा है। अरे सबकी जरूरतों का ख्याल रखती हो, अपने लिए एक सैंडल तो खरीद लो। आज पक्का ले लेंगे। प्लीज सैंडलेश्वर दीदी, आज साथ दे देना, आज आखिरी दिन है। तुम भी खूब हो। अरे तुम्हारी सैंडलेश्वर दीदी 4 महीनों से आखिरी सांसें गिन रही हैं, अभी इनकी छुट्टी करो। आज कर देंगे, पूरे 2000 जोड़े हैं हमने, नई चप्पल लूंगी। अच्छा चलो अब चलते हैं, भैया ने हल्दी वाला दूध मंगवाया था। क्या? अबे नहीं यार, ऐसी बात मत कर भाई, मरना हो जाएगा मेरा। क्या बात कर रहा है, पूरे 2000 गए? क्या क्या देख रही है? आपका दूध। अच्छा सुनो, अरे हमने तुम्हारे बैग से निकाले थे पैसे, पर चुराए नहीं थे, उधार लिए थे, अगर जीत जाते ना तो पूरा 3 गुना मिलता, पता है? भैया भैया ये सब क्यों करते हो? जुआ सट्टे में कुछ नहीं रखा है, कुछ काम क्यों नहीं करते? यही सब बोलना है ना तुमको? अच्छा सुन अवंती, एक बात बताएं तुमको, ये खदा मजूरी करने से, चप्पलें घिसने से कोई अमीर नहीं बनता, बस सरकारी कर्मचारी बनता। अमीर बनने के लिए ना अपनी किस्मत दांव पे लगानी होती है, पर वो हम लगाते हैं। तुम अपनी किस्मत नहीं, इस घर के लोगों की जान दांव पे लगा रहे हो। क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने? कोई आया क्या आज तक घर पे पैसा वसूली करने? Yeah.
चलो बेटा, मक्खन भैया का बुलावा आया। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज, अरे प्लीज, प्लीज प्लीज रुक जाइए, आपको जो भी पैसे चाहिए हम आपको सब दे देंगे। अरे तुम हर बार यही गोली देते हो, चल साले। नहीं 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 रुक जाइए, ये कुछ पैसे है हमारे पास, आप तब तक ये रख लीजिए, बाकी के हम बाद में दे देंगे। ये दशहरे का चंदा दे रही हो? साले बताया नहीं 50,000 की वसूली है? चल। नहीं नहीं नहीं, आपके जो भी जितने भी पैसे हैं हम सब दे देंगे, आप प्लीज आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, कुछ टाइम दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। तुम्हारी बहन के कारण बच गए बे, दो दिन की मोहलत दे रहे हैं, वरना मक्खन भैया स्वयं यहाँ आएंगे दर्शन देने, और अगर मक्खन भैया को यहाँ आना पड़ा ना, बड़ा तुम्हें बहुत कष्ट देंगे। तुम क्यों हीरोइन बन रही थी? किसने बोला तुम्हें बीच में पढ़ने के लिए? पर वो। पर क्या? हमें नीचा दिखाए बिना तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता है ना? काम धेले का नहीं, और अहम देखो इसका, और एक तुम हो, पूरा घर तुम्हारे सर पे रहता है, लेकिन तुमने कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। पापा, परिवार में क्या हम, क्या तुम और क्या अहम, किसी का भी अपमान होता है ना तो वो हम सबका अपमान होता है। अच्छा चलो पापा, अब हम चलते हैं, पार्लर के लिए लेट हो रहा है। माँ कहाँ गई है? माँ वो पता नहीं सुबह सुबह कहीं जरूरी काम से गई थी। अच्छा अच्छा चलो पापा, अब हम चलते हैं, पार्लर के लिए बहुत लेट हो गया हमको। हाँ। तुम सबको हंसाने की बात करती हो, वो जरूर किसी ना किसी को रुलाने गई होगी। हम नहीं तो और कौन? तुम देने की बात करती हो, वो कहीं ना कहीं कुछ लेने गई होगी। और कौन? बेटे तुम कर्म करने की बात करती हो, वो जरूर पक्का कहीं कुछ कारनामे करने गई होगी। भाई साहब ये चल क्या रहा है यहाँ पर? अन्नपूर्णा महोत्सव है मैम, अंदर जाना है तो लाइन में लग जाइए। हम क्या तुम्हें ये भिखमंगे नजर आ रहे हैं? हाँ जानते भी आप किससे बात कर रहे हैं? मिसेज अमिताभ बच्चन से, अभिषेक बच्चन की मम्मी। आप मिसेज अमिताभ बच्चन हैं? हो भी सकते थे, इंटर पास करने के बाद रिश्ता आया था हमें, उनकी बुआ की ननंद हमारे चाचा की भाभी की पड़ोसन है। और तो बाबूजी बोले कि लड़का बहुत लंबा है इसलिए मना कर दिया। वैसे एक बात बताओ, ये इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है भाई? चल क्या रहा है यहाँ पर? कहा ना मैम, अन्नपूर्णा महोत्सव है। अन्नपूर्णा महोत्सव? नहीं आई हो क्या प्रयागराज में? अन्नपूर्णा फूड कंपनी की मालकिन साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है, जो हर साल अन्नपूर्णा महोत्सव आयोजित करती है, और किसी एक लकी विजेता को मिलते हैं पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? सबसे बुरे अवगुण पता है कौन से होते हैं? लालच, ईर्ष्या और अहंकार। और सबसे अच्छा गुण पता है कौन सा होता है? स्वाभिमान। हाय राम, सॉरी मैडम, गलती हो गई। गलती? अगर काम आता नहीं है तो करती क्यों हो? अवंतिका, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें किया करो, अब देखो हमारा पैर। सॉरी मिसेस शर्मा, पूजा की कोई गलती नहीं है, वो हम बिजी थे तो हमने ही पूजा को आपके पास भेजा था। लाइए पूजा, तुम जाके वहाँ देखो, बैठिए हम देखते हैं। इस 10 लाख और किरण के बीच कोई नहीं आ सकता। चल किरण, कर कारनामा शुरू। हम नहीं तो और कौन? अरे अरे अरे, कहाँ चली जा रही हो? जाओ पीछे जाओ, हम सुबह से लगे हैं लाइन में। अरे जाने दो इसे, बेचारी पगली है। जाने दो। अरे
अरे ये पागल नहीं है, ये हमें पागल बना रही है। चलो चलो जाओ पीछे जाओ लाइन में लगो। रुको जरा, क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? हम कोई पागल वागल नहीं है, हम तो प्रयागराज की महारानी है। महारानी? तुम प्रयागराज की रानी हो सकते थे? अरे पंडित जी ने हमारे बाऊ जी को कहा था कि काली रात को काले कपड़े पहनकर काली रोटी काले कुत्ते को खिलाना। सुनो, काली रात हुई, हमने काले कपड़े पहने, काली रोटी ली, पर कमबख्त काला कुत्ता ही नहीं मिला। वरना हम भी ना ये लाइन में नहीं होते, वीआईपी सेक्शन में भगवान जी के दर्शन कर रहे होते। पर दर्शन किए तो नहीं ना, लगी तो लाइन में हो ना। चलो जाओ लाइन में लगो, जाओ जाओ। ये लो। उठा लो। अपने हक की कमाई अगर जमीन से उठानी पड़े तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप उठा दीजिए। ओहो, लोगों के पांव धोने में शर्म नहीं आती, लेकिन जमीन पे पड़े हुए पैसे उठाने में शर्म आती है। पांव धोने में क्या शर्म, वो तो हमारा काम है ना, वही काम जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। और आत्मनिर्भर होने से ही हमें आत्मसम्मान मिलता है, जो हमें सिखाता है कि अपने हक की कमाई हमेशा अपने हाथों में मिलनी चाहिए, किसी के पैरों में नहीं। इतना अभिमान ठीक नहीं है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, अभिमान कहता है कि सिर्फ अपना सम्मान करना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान कहता है कि सबका सम्मान करना चाहिए। आपका भी, हमारा भी, पूजा का भी, बाहर सड़क पर काम कर रहे मजदूरों का भी। प्लीज अपने सम्मान को रखने के लिए हमारी सहेली के सम्मान को छोटा ना बनाएं। पैसे उठा दीजिए। वाह, यहाँ बेटी बड़ी दूसरों के हक की लड़ाई लड़ रही है, और वहाँ तुम्हारी माँ किसी और का हक मारने के लिए कांड कर रही होगी। अरे क्या है, कंबक क्या है, क्या दे? अरे साहब बताइए, दिया साहब, ओ साहब, ओ साहब। तैयार करने में हमेशा देर कर देती है, इसमें इस बेचारे की क्या गलती? ए कुमुद, देख, वैसे तो ना मारुति कार और लैम्ब्रेटा का कोई जोड़ नहीं, फिर भी हमने तुम्हें अपनी सहेली बनाकर रखा ना। यह तो हमारा बड़प्पन है कि हम अमीरी गरीबी ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं रखते, वरना कहां एक बैंक मैनेजर की बीवी और कहां दिहाड़ी मजदूर की। पर अगर तुम उस ड्राइवर की साइड लोगी ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ, इस ड्राइवर की वजह से ना आज किरण की बेटी भूखी रह जाएगी। देखना देखना, हम इसका ना लाइसेंस रद्द करवा देंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हमारा भाई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपका भाई है? अरे हो सकते थे, इतनी दमदार पर्सनैलिटी तो किसी मिनिस्टर के घर हो सकती थी ना, लेकिन भगवान से भी ना ब्लंडर हो गया। आप चिंता मत कीजिए, अवंतिका हमारी भी बेटी है। जब हमने अगस्त के लिए डब्बा बनाया था तो अवंतिका के लिए भी बना दिया था।
चली गई थी इतने साल? किरण कैसी हो तुम और कहाँ थी अब तक? पता तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थी तुम 15 सालों से? बनारस से कहाँ चली गई थी? अन्नपूर्णा देवी की जय, कुमुद जी की जय, अन्नपूर्णा देवी की जय, कुमुद जी की जय। ये अन्नपूर्णा तुम हो? अन्नपूर्णा देवी की वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? तृष्णा कैसी है? भाई साहब कैसे हैं? अक्षय कैसा है? और हमारी अवंतिका कैसी है? ये अन्नपूर्णा तुम हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हो कि मैं कैसी हूँ, वो कैसे हैं, अगस्त्य कैसा है ना? हाँ, एक सवाल है। ओ, किरण, तुम इतनी अमीर कैसे बने? तुम्हें पता है हम कैसे अमीर बने? तुम्हारी वजह से। याद है तुम क्या कहा करती थी? काश कोई ऐसा तरीका होता कि चुटकी बजाओ तो पालक पनीर तैयार, चुटकी बजाओ तो राजमा चावल तैयार। अगर ऐसा हो गया ना तो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि बाकी सभी माओं की जिंदगी आसान हो जाएंगी। मुझे लगता है इस आइडिया पे काम करना चाहिए। ना कुमुद ना, रहने दो, हमारी किस्मत ऐसी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ये अन्नपूर्णा फूड्स वही है? वो चुटकी बजाओ पालक पनीर तैयार, चुटकी बजाओ राजमा चावल तैयार। याद है किरण मैं क्या कहा करती थी? किस्मत और कर्म गाड़ी के दो पहियों की तरह है, अगर कर्म अच्छा होगा तो किस्मत तो अच्छी होगी। कुमुद जी की जय, 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 कुमुद जी की जय। मैं आपके कारण 10 लाख रुपए जीत गई हूँ। कुमुद जी की जय, कुमुद जी की जय। जय मेरी नहीं, जय तो उस ऊपर वाले की। आप कितनी महान हैं, इतनी बड़ी होकर भी हाथ जोड़कर खड़ी हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कपड़े हों फटे फिर भी नवा भी ना घटे। किरण कहाँ गई? किरण यहाँ है तो अवंतिका भी यही होगी। आज ही अगस्त्य अमेरिका से वापस आ रहा है और आज ही अवंतिका के बारे में पता चला। ये कोई संजोग तो नहीं? बताओ क्या संजोग है? जिसके घर खाने को कुछ नहीं था आज उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि वो माल पोहे खा रही है और एक हमारी किस्मत है कि मुफ्त में जहर भी ना खाने को मिले। तो हमें पूरा यकीन है अवंतिका चाहे जहां भी होगी आज का दिन उसे जरूर याद होगा। वो चाहे कितनी भी बिजी होगी अपने बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन जरूर मनाती होगी। वाह दीदी, जब से आप हमारे शहर में आई हो ना हमें मुफ्त पार्टी करने मिलती है। दीदी पिछले साल भी आपने अपने दोस्त का बर्थडे मनाया था पर आपने कभी उससे मिलवाया नहीं। कौन है वो? कौन है वो? कहाँ है वो? क्या बताए हमें खुद नहीं पता। कहाँ हो तुम अगस्त्य? फिर कुछ लोग होते हैं अभिमानी। स्वाभिमानी सबका मान करता है पर अभिमानी सिर्फ अपना। उन्हें लगता है ना कि उन्होंने ये अभिमान कमाया है और इसी बात का उन्हें गर्व होता है। अगस्त्य नहीं, मिस्टर अगस्त्य श्रीवास्तव। उनमें से नहीं हो जिनका आधा नाम लिया जा सकता। इंडिया की नंबर वन इंस्टेंट फूड कंपनी है हमारी। डीलर्स के साथ शेयर कर देना कि डील करते समय मेरी पोजीशन ना भूलें और ना ही मेरा पूरा नाम। मिस्टर अगस्त्य श्रीवास्तव। मिस्टर अगस्त्य श्रीवास्तव। ठीक से बोला या और भी कुछ लगाना था? जैसे श्री या श्रीमान या श्री श्री 1008 अगस्त श्रीवास्तव जी। अनुज, अरे पैर क्यों छू रहा, गले लग मेरी जान। वो नाम सिर्फ बाहर वालों के लिए, तेरे लिए सिर्फ अगस्त भैया। जन्मदिन की हार्दिक शुक्राना भैया। चलिए
घर पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासकर की बड़ी माँ। माँ अरे भैया अनुज, इंसान का स्टैंडर्ड उसके जूतों से पता चलता है। दोनों में से कभी भी किसी पे भी धूल नहीं जमी होनी चाहिए, ना स्टैंडर्ड पे ना जूतों पे, समझा? अगस्त्य, आपका सबसे कीमती सामान तो पीछे ही छूट गया भैया। सुना, ये मेरा प्यारा सा छोटा भाई अनुज और ये भाभी फ्रेंड है अनुज। शनाया, अमेरिका से इंडिया घूमने आई है। हाय। अच्छा, भारत दर्शन करने के लिए आई है, पर पहले बड़ी माँ को आपके दर्शन करवाते हैं। कम ऑन। दीदी, आपके फ्रेंड के बारे में बताओ ना। उसका दिल बहुत बड़ा था। अगस्त्य श्रीवास्तव को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको निकाल दो। माँ को तो आदत है लोगों को पालने की, रिजल्ट नहीं आ रहे इसका एक ही मतलब है मेहनत नहीं हो रही है। और कामचोर लोगों की अगस्त्य श्रीवास्तव की कंपनी में कोई जगह नहीं है। बाय द मॉल। वो बिल्कुल जिद्दी नहीं था, सबकी बात मानता था। जब इंसान अपनी शर्तों पे कामयाब होता है तो लोगों को उसकी शर्तें माननी पड़ती है। वो किसी की शर्तें नहीं मानता है। तुम्हें पता है मुझे इंडिया की सबसे खराब बात क्या लगती है? क्या? यहाँ की गरीबी। आई हेट दीज पुअर पीपल। नफरत है मुझे इन गरीब लोगों से। दो दिन से कुछ खाया नहीं है साहब। नो, अभी इसको कुछ काम दूंगा तो अभी के अभी भाग जाएगा। मुझे सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये भीख नहीं देता हूँ। और इन गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है, इनको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ भीख मांगनी है, तभी गरीब के गरीब रहेंगे। जाओ। पता है उसकी फेवरेट मिठाई कौन सी थी? लड्डू, आम, पेड़े। हवा मिठाई। अरे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? दीदी, क्या हमें भी खिलाओगे हवा मिठाई? हाँ हाँ, हमें भी। चलो 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 चलो, खाते हैं। याद है नक्षड़े, हमारे बचपन की हवा मिठाई वाली कविता? सारी चिंता दूर भगाई, रोज खाई हवा मिठाई, सब मुश्किल की शामत आई। वो जो रोज खाई हवा मिठाई, हर परेशानी हवा कराई, जो रोज खाई हवा मिठाई, सारी टेंशन हवा कराई। जो रोज खाई हवा मिठाई, हर टेंशन की शामत आई। जो रोज खाई हवा मिठाई। नहीं, हम एक दोस्त को ढूंढ रहे हैं, जब वो मिल जाएगा तो दोनों साथ में मिलके खाएंगे। कुछ तो पैसे दे दो साहब, 10-20 कुछ तो दे दो साहब। 10 नहीं, पूरे 100 दूंगा। मेहनत करो। वो कीचड़ दिख रहा है? साथ में ईंट दिख रही है? हाँ। जाके ईंट लगाओ कीचड़ में, बच्चों को रास्ता पार करना है। ठीक है साहब, कर देंगे हम।
धन्यवाद साहब, भगवान आपका भला करे। लड़ी भिखारी, लड़ी चोर, जो पता ही था तुम लोगों पे भरोसा करना ही गलती है। काम चोर कहीं के, इसीलिए गरीब और गरीब के गरीब ही रहोगे। काम करना नहीं है, सिर्फ भीख मांगने में इंटरेस्ट है, हमेशा जिंदगी भर गरीब रहोगे भिखारी। हर अमीर आदमी घमंडी और बदतमीज नहीं होता, वैसे ही हर गरीब चोर और कामचोर नहीं होता।